अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शहरोज अहमद और आप देख रहे हैं ऐसे लाइव। तो मैं अपने जो यहाँ पे हमारे जो पिजन्स हैं इनको मैंने जो है नहलाने के लिए यहाँ पानी डाला है ताकि ये खुद ही नहा लें। मैं तो इनको नहला नहीं सकता, तो मैं अपने बेबी पिजन को फीड करवाने के बाद इनको ले आया छत पे। ये आप देखें, ये माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया ये वाला, और ये वाला तो थोड़ा छोटा ही है। और ये मैंने इनके बर्तन वगैरह निकाल दिए हैं, इनको मैं डालने लगा हूँ खाना। कबूतर भी हमारे माशाल्लाह से बेहतर हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और जो हमारे डक्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। इनको बाहर छोड़ते हैं सबको और इनको दाना और पानी डालते हैं हम। और यहाँ पर मैंने इनको डाल दिए हैं चावल, बड़े शौक़ से खा रहे हैं ये। चूज़ों का यही है, चूज़ों को जो कुछ मर्ज़ी डाल दो चूज़े खा जाते हैं। डक्स भी ऐसी हैं, डक्स को भी हर चीज़ खिला सकते हो आप। इनको मैं खुद ही बाहर नहीं छोड़ रहा क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ छत पे। ये ना हो कि मैं अब वहाँ पानी भरने जाऊँ और पीछे से चील इनको ले जाए। ये अभी छोटे हैं तो इनको दरवाज़ा करते हैं बंद और इनको डालते हैं पानी। ये मैंने बर्तन निकाले हैं, अब इनको हम पानी डालते हैं। ये जो कबूतरों के बच्चे हैं वो मैंने वापस से ऊपर रख दिए हैं। यहाँ मैं इनको रख दिया करता हूँ कि यार इनको जो है ना वो हवा लगती रहे, या तो ये पूरे गीले हो जाएंगे। और यहाँ मैंने इनको भी खाना डाल दिया है। यहाँ हमारे जो सब बेबी पिजन्स हैं और ये दूसरे जो पिजन्स हैं इनको भी मैंने खाना डाल दिया है। एक अंदर आ गया, बाकी तीन जो हैं वो इधर नहा रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कल जो मैं पौधे लेके आया था, इन पौधों को भी जो है वो मैंने पानी डाल दिया। रात को बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो ये मैंने जो है उठा के अंदर रख दिए थे कि ये टूट ना जाए, तेज़ हवा थी। यहाँ पे देखें ये मिर्च लग रही है इसके ऊपर, ये देखें ये अब आए, ये कल नहीं था यहाँ पे। ये जो मिर्च है ये यहाँ कल नहीं थी, ये आज यहाँ पर लग रही है, ये लगी हुई। और ये जो है ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास उग रहा है टमाटर। टमाटर के बाद ये हमारा जो रोज़ वाला पौधा है, ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे जो है ये इकट्ठे जो है वो चार फूल निकल रहे हैं। और ये हमारी एलोवेरा है, पहले ये बहुत कम थी, अब तो माशाल्लाह ये भी काफ़ी ज़्यादा उगाई है। एंड उसके बाद ये है हमारा पुदीना जो कि बिल्कुल तैयार है, इसको हम आज शाम को काट लेंगे यहाँ से क्योंकि ये तैयार हो गया। मैं जो अभी नहा के आया था, आप देखें जितनी गर्मी है, दोबारा नहाने वाला हाल हो गया मेरा। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ, अपनी जो कैट्स है उनका जो मैं खाना लेके आया था वो फिर से ख़त्म हो गया है, तो मैंने अब उनका खाना लेने जाना है। और साथ में मैंने अपने हमारे खाने के लिए भी क्या लेके आने हैं, फालसे लेके आने हैं, फालसे का जूस पियेंगे आज हम। तो चलें चलते हैं। अब हम किधर जाएंगे? बिल्ली का खाना लेने। तो तू तो नहीं जा रहा, तू क्यों हंस रहा है? नहीं मैं नहीं जा रहा। वो सपारा वाली आंटी बुला, ओए तू जाग रहा था? नहीं जी, मैं और एसएन चलते हैं और हम जाग। क्या हुआ कैदी? किधर थे? माय बिलव्ड कजन। चलो जी अब हम चलते हैं। और हम क्या करेंगे, मार्केट जाके आपको, अब हम जाएंगे खाना लेने, मार्केट से जाना है। तो हम क्या करेंगे, आपको मार्केट में जो परिंदे आए होंगे वो हम जरूर दिखाएंगे। क्यों भाई, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? तो फेर नहीं है। तो हम जो है मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कुछ परिंदे जो हमने मार्केट में देखे हैं। तो सबसे पहले ये हैं डव, उसके बाद ये फिंचीज आ गई हैं एंड और ये हैं लव बर्ड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। इसके बाद हमारे पास ये आ जाते हैं, ये भी लव बर्ड्स हैं, ये ब्लू फिशरी में आते हैं, अल्बाइनो रेड आइज़ हैं। और ये हमारे पास सील मुर्गी आ गई है, सील मुर्गी पर ये भी लव बर्ड्स हैं। और यहाँ ऊपर जो है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा राह का जोड़ा लगा हुआ है और वो भी रहा। और यहाँ पे हमारे पास पाइनएप्पल कॉर्नियोर्स हैं और ये कॉकटेल्स हैं। और ये हमारे पास होगोरोमो हैं, ये भी कॉकटेल और साथ में जावा है। ये भी हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे जो हैं मार्केट के अंदर, केनाल बर्ड मार्केट के अंदर बहुत ही प्यारे जो हैं वो यहाँ पे परिंदे हैं।
तो हम जो है अभी खाना शाना खा के ऊपर आके बैठे हैं। ये मेरे साथ मेरा बिलव्ड कजन है और यहाँ पे मेरा बिलव्ड ब्रदर है, और हम जो है छत के ऊपर अपने जो परिंदे हैं इनको खोल के बैठे हैं। वो देखिए हमारी डक्स और साथ में जो चिक्स हैं, ये एक बेहतरीन चीज खा रहे हैं। ये देखें इसको, ये मैंने डक्स खोली हुई थी यहाँ पे और चूजे भी साथ, मैं बैठा हुआ था। इतना शुक्र है मैं बैठा हुआ था, मैं यहाँ बैठा हुआ था आउटडोर के ऊपर, और चीले जो हैं वो यहाँ से आई, यहाँ से दो कट्ठी सीधा इस ईंट के ऊपर। वो तो इतना शुक्र मैं बैठा हुआ था, तो मैंने जो है उनको भगा दिया और फौरन से जो है मैंने अपनी डक्स और चिक्स को बंद कर दिया है और पिजन्स को भी बंद कर दिया है। और वैसे भी मैं जो है वो जा रहा हूँ अपने एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, तो वहाँ से वापसी आके आपको मिलता हूँ। तो मैं जो है अपने दोस्त की तरफ से वापस आ चुका हूँ, और ये देखिए हमारे बग्गा और नीनी कितने आराम से लेटे हुए हैं। ये जो इसका मुंह कैमरे की तरफ है, ये नीनी है कैसे देखिए आंखें बंद करके बैठी हुई, और वो हमारा बग्गा है। और यहाँ पे हमारे हैं बिलव्ड ब्रदर अर्शमान, अहमद, शेख, जवान लड़का, खूबसूरत डिम्पल बॉय। क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ हमें बताएं कुछ कि हम अपने व्लॉग्स में क्या लेके आया करें, कुछ हमें गाइडलाइन दें। हाँ जी, अगर आपने गुड्डे बना ली हैं तो काइट मेकिंग नहीं, व्लॉगिंग भी होगी, पेट्स के भी नहीं। मैं मुझे क्या करना चाहिए अपने व्लॉग्स अच्छे करने के, डेली रूटीन दिखाने के लिए? वो तो मैं दिखा रहा हूँ, आप जहाँ जहाँ वॉशरूम करने अभी जाऊँ वो भी दिखाऊंगा। आप डेली रूटीन दिखानी पड़ेगी, जहाँ पे जाओ मतलब कहाँ, वॉशरूम में जाता हूँ मैं ज्यादा, गटर के अंदर जा रहे वो भी दिखाओ। व्हाट इज टट्टी, पागल है ये हमारा ये जो बिलव्ड खैजी है ना, खैजी शेख, इसको और कुछ नहीं आता, गंदी चीजें आती हैं। अच्छा आप बताओ, बाकी ये है कि आप मोहम्मद सईद से मजेदार चीजें लाएंगे पूरी छत पे। क्या क्या चीज, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये नहीं पूछ रहा कि क्या लेके आना, मैं ये पूछ रहा हूँ मैं अपने व्लॉग्स में क्या करूँ, कुछ गाइडलाइन कुछ सिखाएं हमें बाबा पीरो मुर्शिद। चलो जी खैजी शेख सुना, खैजी जी उन्हें जो स्पेलिंग सुनाते, चलो जी चलो जी चलो जी सुनाओ सुनाओ सुनाओ, लागी शर्त लागी सुनाओ। गाइडलाइन फॉर यूट्यूब। हाँ जी खैजी शेख, खैजी शेख ये लो ये लो ये लो। चलो आप हमें बताओ कि अब हम अपने व्लॉग में क्या लेके आए करें, बोलो पाए ना वीडियो होने, मुझे ले आया करो, लो आ तो गया और अब एस्पा ले आया करो। अच्छा बारो पाइप फाड़ ले हमारे चार और उन्हें ले आया करना, वो हमारा बिलव कजन एसन, तो ड्रामा देख रहे ना, को ले आया करो। चलो ठीक है, इसका मतलब आपने हमें कुछ नहीं बताना, हम अपनी आवाम को करते हैं। हाँ नहीं बस बहुत है, बस बहुत है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो दोस्त हैं उनको करते हैं अलविदा, तो अलविदा की लादा वीडियो बनाएंगे। तो आपने हमारा आज का व्लॉग देखा, हम आज हमारी जो नीनी है ये प्यारी नीनी है, और वो पीछे हमारे पग्गा है जो तंग कर रहा है खैजी शेख को। हम इनका जो खाना है वो ख़त्म हो गया था, तो हम आज इनका खाना लेने गए थे साथ में, हम क्योंकि मार्केट जाना था, मार्केट जाना था, तो मार्केट में मैंने कहा चलो आपको मार्केट तो जाना ही है, तो थोड़े से जानवर क्यों ना दिखाएं जो मार्केट में थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह कल जो है हम अपने दोस्त की तरफ जाएंगे, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।